कन्नौज पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने 6 अप्रैल को डिंपल के नामांकन करने की बात कही। अखिलेश यादव ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार चाय चौकीदार वाला मामला चलने वाला नहीं है। पार्टी कार्यालय पर मीडिया से मुखातिब हुए अखिलेश यादव ने कहा कि क्योंकि इतनी गरीबी आने वाली है इनकी सरकार के माध्यम से आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए महंगाई किस किस की बढ़ गई, डीजल की महंगाई हुई, पेट्रोल की महंगाई हुई, रसोई गैस की महंगाई हुई, पढ़ाई महंगाई हो गई, एडमिशन महंगा हो गया। इसलिए 15 लाख की उम्मीद छोड़ दीजिए, जो कुछ बचा है वही बचा लीजिए, वही बड़ी बात है। गठबंधन की इतनी सीटें होंगी कि भाजपा गिनते ही उनका जो घमंड है वो चकनाचूर हो जाएगा। देखिए ये चाय वाला चौकीदार वाला मामला नहीं चलने वाला, इसलिए कि गांव-गांव बेचारे चौकीदार इंतजार कर रहे हैं कि उनको सरकारी नौकरी कब मिलेगी। चौकीदारों की असली मांग ये है कि सरकारी नौकरी कैसे मिले, और जिन्होंने सरकारी नौकरी का वादा किया था और सरकारी नौकरी नहीं दे रहे हैं जिन चौकीदारों को, आने वाले समय में वही चौकीदार उनकी चौकी छीन लेंगे। समाजवादी साथियों ने तय किया है कि 6 तारीख को नामांकन करेंगे, 6 तारीख को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद डिंपल यादव यहां से नामांकन करेंगी, और मुझे उम्मीद है कन्नौज की जनता पर कि जिस तरीके से समाजवादी लोगों ने काम किया है और लगातार विकास से कन्नौज को आगे बढ़ाया है, एक बार फिर कन्नौज की जनता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके मौका देगी जिससे कि जनता की सेवा और विकास क्षेत्र का हो सके।